जय हिंद क्लास वन। तो आज की क्लास में लोग पढ़ने जा रहे हैं मिसिंग नंबर्स के बारे में, ठीक है। मिसिंग नंबर्स देखिए ये कैसे करना है, समझिए ध्यान से, बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है। और नंबर्स में कुछ नंबर्स आपको देख रहे हैं गायब हैं, यानी कि ब्लैंक है, मिसिंग है। ये जो बॉक्स में जो नंबर था ना वो मिसिंग है, आपको यही नंबर फिलअप करना है इस बॉक्स में। तो आप ध्यान से समझिए कैसे फिलअप करेंगे। तो देखिए पहला ए ब्लैंक है, इसके बाद है 84, इसके बाद क्या है 84, फिर ब्लैंक ब्लैंक 87, फिर ब्लैंक ब्लैंक और फिर 90, इतना है, क्लियर। तो अब आप यहाँ देखिए ये क्या है भाई, 84 है, क्या है 84। तो 84 के बिफोर क्या आएगा, क्योंकि 84 के पहले का नंबर यहाँ फिल करेंगे, इसके बाद 84 के आफ्टर, उसके बाद फिल करते जाएंगे। तो 84 के बिफोर कौन सा नंबर आता है, तो आप कहेंगे सर 84 के पहले आता है 83। क्या आता है 83। तो अब यहाँ से नंबर को रीड करेंगे 83 84 84 के आफ्टर क्या आएगा 85 85 के आफ्टर 86 86 के आफ्टर 87 दिया हुआ है, 87 के आफ्टर 88 88 के आफ्टर 89 और 90 90। तो जो यहाँ पे नंबर नहीं था हमने क्या कर लिया, उसको फिल कर लिया, यानी मिसिंग नंबर्स को हमने ढूंढ लिया और राइट कर दिया। ऐसे ही सेकंड में आते हैं, तो सेकंड में यहाँ देखिए क्या है, 22 स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो काउंट करते हैं 22 आफ्टर 23 आफ्टर 24, उसके बाद 25, फिर 26 27 28 29, ये हमने फिल कर लिया। थर्ड नंबर देखते हैं, यहाँ तो पूरा ब्लैंक है, सिर्फ एक नंबर हमें दिख रहा है 39, और उसके आगे भी पूरा क्या है ब्लैंक है, सिर्फ हमें क्या दिख रहा है 39 हमें दिख रहा है, 39 दिख रहा है ना, बस इतना काफ़ी है। अब हमें ये पहले पता लगाना है कि 39 के बिफोर यहाँ क्या होगा, 39 के बिफोर यहाँ पे इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, तो फिलअप करते हैं। तो 39 के बिफोर आप देखेंगे तो 39 के पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 39 के पहले आता है 38। क्या आता है 38 के बिफोर, तो 38 के बिफोर आप कहेंगे सर 38 के पहले आता है 37। 38 के पहले क्या आता है 37। 37 के पहले 37 के बिफोर 37 के बिफोर तो आप कहेंगे सर 37 के बिफोर आता है 36। क्या आता है 36। अब यहाँ से काउंट करते हैं तो 36 37 38 39 बिल्कुल सही, 39 के आफ्टर 40 41 42 और 43, ये हो गया, हमने फिल कर लिया। अब ये जो बाकी बचा हुआ प्रॉब्लम है ये आपको खुद से सॉल्व करना है, क्लास को कॉपी में नोट करिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया किस तरीके से मिसिंग नंबर्स को सॉल्व करेंगे, आप काउंट करके नंबर्स को राइट करेंगे, ठीक है। कोई एक भी अगर नंबर दिया है तो उसके बिफोर अगर ब्लैंक है तो बिफोर के नंबर्स को फिल करेंगे, और आफ्टर अगर ब्लैंक है तो आफ्टर के नंबर्स को फिल करेंगे। बात समझ में आ गया है, तो इस तरीके से आप नंबर जो मिसिंग है उसको फाइंड करेंगे और राइट करेंगे, क्लियर है। तो दैट्स ऑल, ये रहा आपका क्लास मिसिंग नंबर्स का, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, अब बाकी बचा हुआ भी आप सॉल्व करेंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, जय हिंद।